हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल क्लासेस में। मैं आमिर सर आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा चैनल जिसके जरिए मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पर एनालाइज करूंगा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट और स्टूडेंट लाइफ में जीने तो यकीन मानिए चैनल सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम जो सपने देखते हैं क्या उसे बाकी में अचीव करना चाहते हैं, क्या वो सपना हमारा है ना किसी और का है, आखिर उस सपने के लिए हम करते क्या है, क्या हम जो सपना देख रहे वो सिर्फ सपना है या उसे हम अपना बनाने के लिए कुछ करते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए प्लीज फ्रेंड ये हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहें। हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ हम लोग गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते, अपने ड्रीम को अचीव क्यों नहीं कर पाते। बहुत लोग सपना देख रहा है, बहुत लोगों का कुछ ना कुछ एम है, मैं ये करूंगा, वो अचीव क्यों नहीं कर पाते। हमारे इस इंडिया का ना सक्सेस रेशियो बहुत कम, सोच रहे हैं लेकिन उस चीज को हर कोई नहीं कर पाता। इसके पीछे रीजन है क्या? सबसे पहले गोल ड्रीम ये है क्या भाई? क्या वो खुद आपका है? वो आप जिंदगी में ये नहीं जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में सीट कितने होते हैं। आपके मोहल्ले में एक नेता आता है 10 गाड़ी लेकर, आप उसका लाइफ स्टाइल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार मुझे भी नेता बनना है। आप जिंदगी भर बैट नहीं पकड़े हो, एक बार स्टेडियम विराट कोहली का लाइफ स्टाइल देखा, ओ माई गॉड यार इतना ब्रॉड उसे शेयर अप कर रहा, मुझे भी विराट कोहली बनना, ये हो जाएगा। आपके कोई अंकल आए बेटा डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, बैठ के रहोगे पैसा कमाओगे ये वो, 50 एडवांटेज देंगे अब हम भी डॉक्टर बनेंगे। एक अंकल है इंजीनियरिंग का 10-15 पॉइंट दे दिए, अब आप इंजीनियरिंग करोगे। यार ये गोल आपका खुद का है? कभी ये सोचा है कि ये गोल है किसका? मुझे ये नहीं समझ आता कि ये आपका गोल है। आपका खुद का गोल है ही नहीं, आपका इनर वॉइस कुछ कह ही नहीं रहा कि मैं ये कर सकता हूं बस हो गया। वो तो वही वाला हाल हुआ ना कि मतलब आपका स्ट्रेंथ कुछ और है, आप जा कहीं और रहे, आप कर कुछ सकते हैं लेकिन कहीं और जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। आप ले कैसा रहे, आप अपना गोल ही ऐसा चूज कर रहे हैं जिसके लिए आप बने ही नहीं है। वो गोल आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का। मैं डीएम बनना चाहता हूँ, क्यों भाई? अरे पिछले बार जो दंगा हुआ था उसने उसका पावर देखा भाई, पूरा में कर्फ्यू लगा दिया, मुझे भी कर्फ्यू लगाना, ये ड्रीम है। आप क्या कर सकते हैं? चलो आप समझदार है, आप अपना ड्रीम चूज कर लिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है। मतलब ऐसा है कि रास्ता तो मिल गया लेकिन उस रास्ते पे जाना कैसे नहीं पता, उस रास्ते पे जाना कैसे ये नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज देते फिरते हैं, क्या है भाई मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं अच्छा, घर का प्रॉब्लम नहीं अच्छा, सोशल नहीं अच्छा, क्या ये क्या प्रॉब्लम क्या? आप गरीब हो, जस्ट वर्क हार्ड अर्न मनी, पैसा कमाओ मेहनत करो फिर बढ़ो, किसको एक्सक्यूज दे रहे आप? समझ आ रहा है आपको? आप एक्सक्यूज किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। और ये सब चीज ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हर एक इंसान के आगे बताने वाला कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम के नाम पर सिंपैथी गेन करना, अपने ग्रुप में अपने मोहल्ले में कस्बे में जाके बोलोगे यार आज मेरे घर में ना रोटी नहीं बना, हाँ यार कितना गरीब है, वो गरीब गरीब बोल के ना उसको वड़ा पाव और ब्रेड सैंडविच सब खिला देगा, बंदा खा के टन चले लेकिन उसके बाद भी गा रहा है कि चीज यार मेरे घर में ये नहीं होता। एक्सक्यूज किसको दे रहे हो यार? आपका कंडीशन कैसे था ये मत देखो, किसके बारे में एक्सक्यूज है? आप अपने आप को अंधेरे में ढके हुए हो और किसी को नहीं। ड्रीम चूज किया, ड्रीम के लिए लड़ना पड़ता है ना, चले मेहनत किया एक दिन में चेंज आ जाएगा, चेंज के लिए भी टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसको, कंसिस्टेंसी तो दिखाइए। विराट कोहली एक दिन में 400 बार देता तो क्या उसका नाम होता पाकिस्तान में 0 पर आउट होता, जो इंडिया टीम में होता नहीं होता, उसका परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी वही उसको बना के रखे हुए, रेगुलर हमेशा एक ही टाइप का परफॉर्मेंस दे रहा, इसलिए वो है आज उस मुकाम पर। हमारे साथ भी यही चीज है। आज मैं आपको एक शेर का कहानी बताने वाला हूं। शेर जंगल का राजा है, शेर सोचिए वो राजा कैसे बना, क्या वो सबसे लंबा है, सबसे हेवी है, सबसे मजबूत है, सबसे स्मार्ट है? नहीं, इसके बावजूद भी वो एक राजा है, उसको ऐसा उसका एटीट्यूड बनाता है, उसका सोच बनाता है। उसके सामने जैसे ही एक हिरन आती है ना, उसके माइंड में पहला बड़ी चीज चलता है यार लंच, क्या करता है वो उस लंच को समझकर कि भाई ये लंच है तो उसके लिए क्या करता है, प्रे करता है, ओ गॉड मेरे सामने आ गया मैं खा लूं, जैसे ही सोचा दौड़ गया उसके पीछे, जो चीज भी हो सोचा उसके पीछे दौड़ पड़ा और अपना गोल लिया।
उस लंच में अपना भोजन देखा कि भाई वो हिरन मेरा खाना है, उसको पकड़ा खाया खत्म। कभी कभी शिकार नहीं मिलता, इसका मतलब क्या? विराट कभी जीरो पर और हुआ, इसका मतलब वो अच्छा बैट्समैन नहीं है। एक बार अगर शेर अपना शिकार नहीं पकड़ पाया, इसका मतलब राजा नहीं है। वो अपना हिम्मत दिखाता हर बार एक जैसा एक्ट करने के लिए, उसको यही तो राजा बना रहा। लेकिन आपके बारे में क्या, हमारे बारे में क्या? डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, बताइए आप क्या करते हैं डॉक्टर के लिए? जस्ट शो मी द रिजल्ट। आप डॉक्टर के लिए क्या करते हैं? आपको इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी क्रैक करना है, क्या किया आपने आज तक? एलियन और आकाश का बैग टांग के खुश हो रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। अपने आप से एक दिन पूछिए ना कि आप इसके लिए क्या किया अब तक, कि आप अपने एम अपने गोल के तरफ एक एक कदम हर दिन बढ़ रहे हैं। तो अगर हम सक्सेस नहीं चाहते तो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो सपना वो सपना ही है बस, और कुछ नहीं है। उसे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते, इसलिए आज आप दूर हैं। अगर कुछ भी करना तो उसके लिए दौड़ पड़िए, अपना वैल्यू दिखाइए, अपने आप को उस काबिल बनाइए। सक्सेस क्यों नहीं आएगा? भीख मांगते आपके पास आएगा, इससे मत डरिए कि सक्सेस नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। पेशेंस तो देखो यार, जस्ट कंटिन्यू करो थोड़ा। तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता कि हम बस सोच रहे हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग सब ना एक शेर के तरह राजा बनना चाहते हैं, लेकिन शेर के तरह मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस राजा बनना है। राजा क्या कर रहा है नहीं देख रहे, हिरन के पीछे वो कितना टाइम लेता है दौड़ने के लिए, डिसीजन किया दौड़ पड़ा, खाना खाया, वहां भाई इसीलिए तो मैं हूं ना। आप डॉक्टर बनना क्या कर रहे हैं? आज मूवी देख लेते, दंगल लगा है भाई, चलो थोड़ा मूवी देख लेते, उसके बाद कुछ करेंगे। प्लान तो हर दिन आज का कल, कल का कल, बस कल होते जा रहा है। फाइनली एग्जाम का टाइम आया, प्रेशर से खत्म। कहां से आपका अचीव, आप अपने गोल को अचीव कीजिएगा? तो अचीव अगर गोल आपका नहीं हो रहा तो सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपना एनर्जी, आप जो सोच रहे हो उसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे। अगर वो सोच आपका ड्रीम खुद का तो उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके बारे में सोचिए, समझिए। जिस दिन मेहनत करने लग गया ना, तुरंत नहीं, थोड़ा वक्त लेगा, देर ही सही, लेकिन सफलता आपके पास जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम इस चैनल को और बेहतर से बेहतर बना सके। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम उसका सोल्यूशन जरूर आपको देंगे। तब तक के लिए मोटिवेशनल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो आप रेगुलर देखते रहें। आप हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।